हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन रेसिपीज़। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाएंगे पुआ। ये रेसिपी हमारी होली स्पेशल है, तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो एक मिक्सिंग बाउल में हम एक कटोरी चीनी डाल देंगे और उसी माप से हम एक कटोरी दूध डाल देंगे। अच्छे से हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हमारी चीनी बिल्कुल अच्छे से घुल जानी चाहिए। तो ये हमारे दूध और चीनी का घोल बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें एक कटोरी आटा डाल देंगे। जिस माप से हमने चीनी और दूध लिया था, उसी माप से हमने आटा भी लिया है। एक बार में इसमें हम सारा आटा नहीं डालेंगे, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा आटा हम इसमें डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो पूरा एक कटोरी आटा हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। कटा हुआ सूखा नारियल डाल देंगे हम इसमें, जिसे गड़ी भी कहते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे डालने के बाद। ये बैटर हमारा थोड़ा थिक लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। तो ये बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हमने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो चलिए अपना बैटर हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये बैटर हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। तो एक चुटकी हम इसमें फूड कलर डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते हैं। तो इसमें हमने येलो फूड कलर डाला है। तो ऑयल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब एक छोटी कटोरी की सहायता से हम इसमें बैटर को डाल देंगे। बैटर डालने के बाद हमें इसे बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। जब ये एक साइड से हल्का सा कुक हो जाएगा, तो अपने आप ही ये तेल में ऊपर तैरने लगेगा। तो ये देखिए, एक साइड से इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है और कितने अच्छे से ये हमारा पुआ फूल भी गया है। अब हम इसे टर्न कर लेंगे। बिल्कुल धीरे से और सावधानी के साथ आप इसे टर्न करें, वरना तेल के छींटे आपके हाथों पे भी आ सकते हैं। देखिए हमारे पुआ का कलर कितना बढ़िया आया है। ये बिल्कुल बन के तैयार है। इसे हम निकाल के टिश्यू पेपर पे रख लेंगे, ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो ऐसे ही हम आपको दूसरा पुआ भी बना के दिखाते हैं। ये पुआ भी हमारा बनके बिल्कुल तैयार है।
इसी तरह हम सारे पुआ को बना के रख लेंगे। गार्निशिंग के लिए हम इसमें पिस्ता बादाम डाल देंगे और थोड़ा सा सूखा नारियल भी डाल देंगे। तो इस रेसिपी को बना के आप ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे आप कभी भी बना के खा सकते हैं। तो ऐसे ही आसान रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक करते जाएं। थैंक यू।